मध्य प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस जी हमारे साथ मौजूद हैं। अर्चना जी हाल ही में न्यूयॉर्क से लौटी हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो सभा है वहाँ से वो सीधे पहुँच रही हैं। अर्चना जी आपने वहाँ पर बहुत बड़ा वक्तव्य दिया है, महिला सशक्तिकरण को लेकर दिया है, खासतौर पर रूरल क्षेत्र में जो महिलाएँ रहती हैं उनको लेकर आपने चर्चा की, क्या कुछ खास बिंदु रहे? दरअसल एक राज्य की मंत्री होते हुए यूएन में जाके बात करने का, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और बतौर मंत्री मैंने जाना उससे भी बड़ी बात ये थी कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले की एक हमारी आदिवासी बहन जो कि एसएचजी फेडरेशन की एक अध्यक्ष है, वो रेखा पंद्राम, वो भी गई थी और मैंने अपनी बात करी, उसने भी अपनी बात करी। और ख़ास बात यह है कि हमारे देश में बहनें खेती बाड़ी से तो युगों से जुड़ी हुई हैं, पर बाज़ार में जो उत्पाद है, जो उत्पन्न है खेत का, वो पुरुष लेके जाता है, तो पैसा महिला के पर्स में नहीं आता और पुरुष की जेब में जाता है। तेजस्विनी के अंतर्गत जब काम हुआ तब मैं जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि वो कोदो जो 12 रुपए किलो थी वो प्रोसेसिंग मशीन डल गई, छिलका निकल के वो पैक हो गई, तो वो कोदो 90 रुपए किलो में बिकने लगी और कुटकी का भी जो 15-16 का कीमत थी वो बढ़कर लगभग 100 रुपए के करीब होने लगी। मतलब छोटी सी एक इंटरवेंशन 3-4 लाख रुपए की जब हुई तब उसमें ये लाभ हुआ कि 12 रुपए की कोदो हमारी 90 रुपए की हो गई और उन्होंने 200 ग्राम का, 400 ग्राम का, 500 ग्राम का, ऐसे उन्होंने पैकेट्स बनाए और आज हमको और आपको डिंडोरी मंडला की और बालाघाट की बहनों की कोदो कुटकी उत्पन्न करी हुई खाने को मिल रही है भोपाल के न्यू मार्केट में। और कम पानी में जहाँ फसल ली जाती थी वहाँ जब किसी न किसी भी दखल से गेहूँ लगने लगा तो गेहूँ गरीबी का कारण हो गया, गेहूँ कुपोषण का कारण हो गया, क्योंकि गेहूँ लगाने लायक पानी नहीं था, गेहूँ जैसी ज़मीन नहीं थी। जब ये पलटकर फिर से गेहूँ से कोदो कुटकी पर आए तो इनको खाने को भी मिला, इनको बेचने को भी मिला और उनकी घर की स्थिति बेहतर हो गई और आज परिवार भी इन सब बहनों का सम्मान करता है। जब शुरू में घर से निकली, जब उन्होंने समूह बनाया, जब ये बैंक जाती थी, जब ये बात करती थी, जब ये ट्रेनिंग में जाती थी, तब परिवार के और गांव के लोगों को भी लगता था कि औरतें कहाँ जा रही हैं और आज उन्हीं को लगता है कि इन बहनों ने गाँव की दिशा और दशा बदल दी। अर्चना जी लेकिन यूनाइटेड नेशन का बड़ा मंच है, न्यूयॉर्क में आप वहाँ पे गई थी, तो किस तरह की तैयारी आपने की, क्या कुछ बातें आपकी जहन में आ रही थी कि क्या कुछ आप चर्चा में शामिल करेंगी, क्या कुछ आप सामने रखेंगी, और कहा जाए कि अंतिम क्षण में आपके दिमाग में एक प्लेटफॉर्म में आया होगा कि मैं और क्या कुछ यहाँ पर बयां करूँ जिससे महिलाओं का भला हो? कुल मिला के भारत के पास इतनी गहरी समझ है मानव जीवन की, वो समझ दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। मैंने तो वहां जाके यही कहा कि मेरे देश के पास परिवार नाम की संस्था है जिसके दम पर हमने पहले भी कठिनाइयों को पार किया है और जिसके दम पर आज भी हम दुनिया से टक्कर लेने के लिए खड़े हैं। आज भी जो हमारे बच्चे अचीवमेंट्स कर रहे हैं वो अपनी माँ के दम पर करते हैं, वो अपने पिता के उनके लिए जो कमिटमेंट है उसके लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता, अपने परिवार के लिए जीता है, अपने समाज के लिए जीता है। तो भारत की मजबूती का आधार परिवार है और हम परिवार के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला परिवार की घोरी है। जब महिला समझ की सेहत बेहतर होती है, शिक्षा बेहतर होती है, तो अकेली महिला आगे नहीं बढ़ती, उसका सारा परिवार उस फोर्स के साथ में आगे बढ़ जाता है। और महत्वपूर्ण बात जो मैंने एक वहाँ करी कि हमारे दर्शन में, हमारे सारे एपिक्स में कहीं भी कोई भी चीज़ स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग कहीं नहीं गई। ऋग्वेद जो दुनिया की सबसे पुरानी किताब है वो कहता है मनोर्भव, और जब ऋग्वेद कहता है मनोर्भव तो वो पुरुष के लिए नहीं कहता मनोर्भव, वो बी ह्यूमन कहता है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। जेंडर शब्द का मेरे देश में कोई हिंदी पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि हम स्त्री और पुरुष को मानव के रूप में देखते हैं। और हम योगा योग से जिस वर्ष मैं जब गई हूँ यूएन में, मेरे लिए बड़ी बात थी, रेखा के लिए तो बड़ी बात थी, पर मैं अपने लिए भी मानती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र में जाके सारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखना, जो हमारी वहाँ की जो इस समय एक भारतीय महिला ही, एक मिसेज पुरी, वो कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमन की अध्यक्ष हैं,
एक जैक हैं जो आईफैट का वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने उनसे भी कहा कि कृषि के बारे में आईफैट कोशिश कर रहा है कि फैमिली एग्रीकल्चर होना चाहिए, मेरे देश में तो फैमिली एग्रीकल्चर ही होता है। तो हमने उन्हें इन्वाइट किया कि आप आएँ, हमारे मुख्यमंत्री जी कृषि के क्षेत्र में बहुत विशेष रुचि रखते हैं और वो उनका सबसे प्रायोरिटी का इशू है। और मैंने उनसे ये कहा कि आप आते साल में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम न्यूट्रिशन फॉर फूड ग्रेन नहीं, अब देश को आवश्यकता है, हम अब एग्रीकल्चर फॉर फूड ग्रेन नहीं, अब देश को आवश्यकता है एग्रीकल्चर फॉर न्यूट्रिशन। एक समय था जब आज से 20-25 साल पहले हमें खाद्यान्न की कमी थी, हमें पेट भरने की कष्ट था, तब शास्त्री जी कहते थे कि एक दिन का उपवास रखो, हमको लाल गेहूँ बाहर से बुलाना पड़ता था। अब देश में इतना अफराद गेहूँ है कि सरकारों को अब गोडाउन बनाना पड़ते हैं, सब्सिडीज उस पर देनी पड़ती हैं, सरकार किसानों से गेहूँ खरीद कर 1 रुपया किलो में अपने गरीब जनता को देती है। तो अब आवश्यकता ये है कि हम खेती की दिशा को थोड़ा परिवर्तित करें, हम खेती को खाद्यान्न के लिए नहीं, खेती को पोषण के लिए करें। इस दृष्टि से हम प्रत्येक ब्लॉक में एक न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज अर्थात पोषण परिपूर्ण गांव हम बनाएंगे और उसमें आईफैट को हमने कहा है कि आप आएँ हमारे साथ मिलकर एक पार्टनरशिप में, एक साथ मिलकर कोलैबोरेशन में एक हम नया आयाम रचते हैं एग्रीकल्चर का न्यूट्रिशन के लिए। आपसे बातचीत करके एक रोमांच उत्पन्न हो रहा है कि जो विश्व गुरु की जो छवि है, क्योंकि आपसे जितनी बात हुई आप वहाँ पर जाके सिखा कर आई हैं, जो चीज़ें हमारे भारत में है आपने बताया कि ये तो पहले से ही हमारे भारत में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो आत्मविश्वास है उससे एक रोमांच उत्पन्न हो रहा है और उसके प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जो आपने पूरे वक्तव्य दिया तो वहाँ से किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिली? वहाँ जाकर मुझे इस बात का एहसास और भी ज़्यादा हुआ कि दुनिया भारत की तरफ देखती है विजडम के लिए, दुनिया भारत का सम्मान करती है और हम भारतीय अपनी उस पोजीशन को, उस स्थिति को और मानवता के लिए जवाबदारी को, हम में से हर एक व्यक्ति उसको समझे और अपना रोल बेहतर प्ले करे ताकि मेरा देश दुनिया की तरक्की के लिए, दुनिया में आपसी रिलेशनशिप्स को में एक मानवीय एक और संस्कार लाने के लिए और जिस प्रकार से हम प्रकृति के प्रति अपना रिलेशनशिप रखते हैं, हमारा जो है संघर्ष उनका जो सारा बेसिस है वो संघर्ष का है कि व्यक्ति परिवार से संघर्ष कर रहा है, परिवार समाज से संघर्ष कर रहा है, समाज देश से संघर्ष कर रहा है और तरक्की प्रकृति से संघर्ष कर रही है। हमारा जो सारा सोच है वो संघर्ष का नहीं, समन्वय का है और इसके लिए कोई एनवायरनमेंट पर बड़ी वर्कशॉप अटेंड नहीं करनी पड़ती, कोई थीसिस नहीं लिखनी पड़नी पड़ती, इसके लिए तो बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठे बैठे सीख जाता है कि चांद मेरा मामा है और बिल्ली मेरी मौसी है। बहुत शुक्रिया अर्चना चिटनिस जी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही है। यूनाइटेड नेशन में अर्चना चिटनिस जी हिस्सा लेकर आ रही हैं, भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों की उन्होंने बात वहाँ पर की और एक बात खुलकर यहाँ पर सामने आ रही है कि निश्चित तौर पर महिला जो सशक्तिकरण की बात जहाँ पर की जाती है वहाँ पर मध्य प्रदेश निश्चित तौर पर कई कदम अब आगे बढ़ा रहा है। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल। इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया चैनल खबरों की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं उसको भी प्रकट करने का प्रयास करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे चैनल का नाम बहुत अच्छा लगा, इंडिया फर्स्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि चैनल भी फर्स्ट रहे। और जब आप इंडिया फर्स्ट की बात कह रहे हो, आपने नाम इंडिया फर्स्ट रखा है, तो आपके चैनल से वो बातें पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए जिसमें वास्तव में इंडिया फर्स्ट है। मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं लीजिए। अच्छा है आपका ये इंडिया फर्स्ट ये जो चैनल है जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपको, आशुतोष जी को, चैनल को, इनके सहयोगियों को, सबको बहुत शुभकामना मेरी ओर से।